और किन बदलाव के साथ टनल में, उधर उत्तराखंड में रेस्क्यू ऑपरेशन को अंजाम दिया जा रहा है। किसने कहा बचा लेंगे टनल में फंसी जिंदगियों को, और ग्राउंड जीरो से टीवी 9 भारतवर्ष की क्या है एक्सक्लूसिव रिपोर्ट। इन खबरों के लिए देखते हैं टॉप 9 टीवी 9 एट ग्राउंड रिपोर्ट। टनल के अंदर से एक्सक्लूसिव तस्वीरें सामने आई हैं, जहां अब टनल में फंसी 37 जिंदगियों को बचाने के लिए ड्रिलिंग का सहारा लिया जा रहा है। 2 मीटर लोहे की पाइप के जरिए टनल में ड्रिल किया जा रहा है ताकि रेस्क्यू के काम में तेजी लाई जा सके। टनल में फंसे 37 लोगों को बचाने के लिए रेस्क्यू ऑपरेशन प्लान में थोड़ा बदलाव किया गया है। 240 मीटर टनल में 72 मीटर आगे जाने के बाद 13 मीटर डक की खुदाई की जा रही है, जिससे ये पता लगाया जा सके कहीं कोई उस 13 मीटर डक में तो नहीं। टनल में जो 13 मीटर के डक में ड्रिलिंग की जा रही है, उसमें अब तक 6 मीटर तक की खुदाई कर ली गई है। 7 मीटर की खुदाई अभी और बाकी है, और इस दौरान 6 मीटर तक कंक्रीट को निकालने में कामयाबी हासिल की जा चुकी है। अगले 2 से 3 घंटे और मानिए कि बाकी के बचे 7 मीटर को और हटा लिया जाएगा, और उसके बाद ये तय हो पाएगा कि अंदर कैमरा डालना है। अंदर कैमरा डालकर देखा जाएगा क्या कोई इंसान वहां पर पहली बात मौजूद है या नहीं है। टीवी 9 भारतवर्ष के रिपोर्ट के पास टनल का वो मैप है जिसके जरिए रेस्क्यू ऑपरेशन अंजाम दिया जा रहा है। मैप के जरिए समझिए रेस्क्यू ऑपरेशन की पूरी डिटेल। अभी इन्होंने एक नई योजना बनाई है, और नई योजना के तहत 72 मीटर आगे जाने के बाद ड्रिल करना है, और ड्रिल करके 13 मीटर नीचे ये जो एक मेन चैनल है उसमें ड्रिल करके कैमरा डालेंगे और फिर देखने की कोशिश करेंगे कि उसमें क्या है क्या नहीं है। टनल में 37 जिंदगियां 2 अलग-अलग हिस्सों में फंसी हैं। 34 लोग एक हिस्से में तो वहीं 3 लोग दूसरे हिस्से में फंसे हैं। उन्हें निकालने के लिए ट्रक और मशीनों की संख्या बढ़ाई गई है, और अंदर 3 ट्रकों के साथ एक जेसीबी मशीन, जिसमें स्पेशली उस जेसीबी को ड्रिल के लिए डिजाइन किया गया है, वो मशीन है। टनल में रेस्क्यू ऑपरेशन में जुटे आईटीबीपी अधिकारियों का बड़ा बयान सामने आया है। आईटीबीपी के मुताबिक टनल में फंसे 37 लोगों के जिंदा होने की उम्मीद है। सुरंग में सुराख के जरिए आने वाली हवा के जरिए लोग सुरक्षित हो सकते हैं। वहीं अनुमान लगाया जा रहा है कि टनल में 180 मीटर दूरी पर लोग फंसे हो सकते हैं। आईटीबीपी ने कहा है वो लोगों को बचा लेंगे। उत्तराखंड के रैणी गांव में आपदा के 5 दिन बाद भी रेस्क्यू ऑपरेशन जारी है। काफी हद तक रैणी गांव में रेस्क्यू का काम किया जा चुका है। यहां जो कीचड़ और गाद है, इसमें से जिंदगी को तलाशने की कोशिश लगातार जारी है। आप देख सकते हैं कि जो मशीन है वो पूरी रात यहां पर उसने काम किया, और आगे काफी ज्यादा तक उसने जो मलबा और गाद था उसको हटा दिया है। रैणी गांव का पुल बहने के 5 दिन बीत जाने के बाद भी संपर्क मार्ग नहीं जोड़ा जा सका है, जिससे 13 गांवों से अभी भी संपर्क टूटा हुआ है। इसी तरफ मैं आपको दिखाना चाहूंगा कि ये जो रैणी गांव है, इसका संपर्क अभी 5 दिन बाद भी पूरी तरीके से टूटा हुआ। 13 गांव पुल बह जाने की वजह से उनसे संपर्क टूट चुका है। हालांकि NDRF की टीम लगातार कोशिश करी है कि यहां पर एक टेम्परेरी पुल बनाया जा सके, जिससे जो जरूरी सामान है उन तक पहुंचाया जा। चमोली के तपोवन के जिस NTPC पावर प्रोजेक्ट को सैलाब बहाकर बर्बाद कर दिया गया, वहां पर मलबा को हटाने और रास्ता ठीक करने काम युद्ध स्तर पर किया जा रहा है। BRO की टीम रैणी गांव और पहाड़ी की दूसरी तरफ के गांवों को जोड़ने के लिए पुल बनाने की संभावना तलाश रही है।